अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आयास खान कैलिफोर्निया रियल इस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मैं अभी खड़ा हूँ प्रीसेंट 8 का जो कमर्शियल है हमारा, और कमर्शियल ये बिल्कुल हमारी जो लोकेशंस है कमर्शियल की, ये बहुत ही आउट क्लास लोकेशंस है जिसके ऊपर हम बीटी सर्विस अपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं। इसके बैक में आप देखेंगे पूरा बैरिया हाइट्स जो है तैयार हो रहा है, और ARH की पोजीशन भी बैरिया कुछ दिनों में दे देगा। मैं आपको प्लॉट दिखाता हूँ अपना, जो हमारा प्लॉट है प्लॉट नंबर 35 और 36, ये बिल्कुल मेरे बैक पे है। आप देख सकते हैं ये प्लॉट्स है हमारा जिसके ऊपर बीटी सर्विस अपार्टमेंट जो है बनने जा रहा है। ये एक तरीके से कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही सेम लाइक ये पूरा प्रोजेक्ट है हमारा। और इसके हवाले से हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस बीटी सर्विस अपार्टमेंट के हवाले से आपको गाइड भी करेंगे फर्दर। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मिस्टर नवीद साहब, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। मिस्टर नवीद साहब, ये हमारा जो बीटी सर्विस अपार्टमेंट है इसके हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? लोकेशंस कैसी है और ये है कहाँ, वाकई कहाँ पर है, कौन से प्रेसेंट पे है, कौन से कमर्शियल पे? थैंक यू इजाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रीसेंट 8 का हमारा जो है ये कमर्शियल है, और ये प्लॉट नंबर 35 और 36 पे है, जो कि 266 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल पार्किंग है, और ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये बीटी के सर्विस जो बिज़नेस कमर्शियल भी है हमारा, ये बनने वाला अपनी नोयत का वाहद प्रोजेक्ट है कैलिफोर्निया का, इस टाइम बैरिया टाउन कराची में, जो अपनी मिसाल आप है। माशाल्लाह ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग लोकेशन पे। और इसके सबसे मेन जो मुद्दा है मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी पार्किंग है, जिसकी पार्किंग मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये पार्किंग थोड़ा सा दिखाएं। पार्किंग इसकी जो है बिल्कुल बहुत ही आउट क्लास पार्किंग है। पार्किंग के हवाले से यहाँ कोई इशू ही नहीं है, बैरिया में तो कोई मसला ही नहीं है पार्किंग के हवाले से। लेकिन पार्किंग में आप हज़ारों के हिसाब से पार्किंग है, इससे चलता रहेंगे, आप किसी भी प्रेसिडेंट पे जाएंगे पार्किंग का कोई इशू नहीं बनेगा। अच्छा, ये बिजनेस सर्विस अपार्टमेंट है जो बीटी का हमारा है, प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है हमारा, इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी भी हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी जो आ रही हैं, जो हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, जो ऑफर्स हैं हम उनको कॉल्स कर रहे हैं क्लाइंट्स को और बता भी रहे हैं, इसमें उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट से भी देखा जाए, और इन फ्यूचर यहाँ रिहाइश के हवाले से भी देखा जाए तो ये आउट क्लास लोकेशन है। फर्दर जो कुछ कहना चाह रहे थे नवीद भाई, आप बताएं मुझे क्या कहना। थैंक यू याज भाई। अच्छा, यहाँ पे एक तो हमारा जो ये जो कमर्शियल है इसमें स्पेशल कुछ सर्विस भी हम साथ में दे रहे हैं, जिसमें या जो अपार्टमेंट के जो मालिक होगा वो उसमें उसको साथ जो देगा वो बुक जो स्टडी रूम भी उनके साथ होगा, जहाँ पे वो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं। कैलिफोर्निया कैफ़े होगा, उसमें फिटनेस सेंटर होगा, और इसके अलावा वर्क स्पेस एरिया होगा। ऐसे कुछ कोऑपरेटिव जो है हम सर्विस उनको दे रहे हैं, जिनके साथ कॉन्फ्रेंस भी बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्फ्रेंस रूम है, उनके साथ अदर जो सर्विसेज हैं वो सारी हम अपने अब जो क्लाइंट है उनको ये फ्री सर्विस भी दे रहे हैं। थैंक यू। हमारे साथ अभी हमारे दूसरे कुलीग्स मौजूद हैं जो बीटी सर्विस अपार्टमेंट, जो हमारा ये सर्विस अपार्टमेंट है बिज़नेस के हवाले से बनने जा रहा है, ये हमें कुछ बताएंगे इसके हवाले से। जी यया साहब, बताएं क्या कहना चाहेंगे सर्विस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अयाज भाई, ये जो प्लॉट है ये बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पर है, आप देख सकते हैं पीछे जो है बैरिया हाइट्स वगैरह इन्होंने दिया हुआ है। और ये जो हम लॉन्च किया है बीटी सर्विस अपार्टमेंट, ये जो है बहुत ही मतलब ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है, जो कि बाहर अगर कोई फॉर एग्जांपल बिजनेस, ये हम बिजनेस सर्विस अपार्टमेंट्स के नाम से हम ये लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें अगर किसी को बिजनेस के हवाले से अगर कोई काम हो रहने के लिए, शॉर्ट ट्रिप के लिए कोई आता है तो रहने की जगह नहीं होती इनके लिए, तो ये जो है अच्छी जगह है इनके लिए। और बाकी फॉर एग्जाम्पल कोई ओवरसीज क्लाइंट आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं उनके लिए, या आउट ऑफ सिटी से कोई आ रहा है उनके लिए बेटर है, उनके लिए बेहतर है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी दूर से आते हैं रहने के लिए उनकी जगह नहीं होती, वो चाहते हैं कि एक दिन हम रुकें देखें उनका माइंड बनता है, उसके बाद फिर फर्दर डिटेल जो है वो फिर पूछते हैं। बाकी आप इस जगह पे अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं कोई, तो आप ये जगह को पहले विजिट करें, विजिट करने के बाद फर्दर डिटेल जो है वो आप फिर हम आपको गाइड करेंगे। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जो हमारे सिटीज़ के अंदर लोग आ रहे होते हैं, बहुत कंजस्टेड हो चुका है कराची, और आलूदा हो चुका है सिटी हमारा पोल्यूशन के हवाले से, कन्वेंस के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, तो यहाँ बैरिया
दुनिया में रहना और कराची में रहने में आसमान ज़मीन का फ़र्क आ जाता है। और यहाँ पर आप रहें, अपने फैमिलीज़ के साथ रहें, अपने बिज़नेस ट्रिप के लोगों के साथ रहें, अपने कुलीग्स के साथ रह सकते हैं, जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। और लोकेशन के हवाले से मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, पार्किंग और लोकेशन के हवाले से, इसके बैक में जो है बैरिया हाइट्स है, पूरा आप देख सकते हैं, ये आबाद है। और लेफ्ट में मेरे जो है प्रीसेंट 8 की पूरी आबादी है और ये पूरी मेंटेन हो चुकी है, लोग फैमिली शिफ्ट हो चुके हैं, फैमिलीज रह रही हैं। इसके साथ ही अली ब्लॉक है इसके बैक साइड पे, और मेरे फ्रंट पे आप मेरे बैक पे देखेंगे प्रीसेंट 6 है, ठीक है। प्रीसेंट 6 में भी लोग आने शुरू हो गए हैं, लोग रह रहे हैं माशाल्लाह से, ये भी आबाद हो रहा है। और ये कंस्ट्रक्शन साइट इसकी बिल्कुल प्राइवेट जो प्रोजेक्ट हैं बन रहे हैं बहुत सारे साइट्स, और सबसे बेहतरीन लोकेशन पे हम ये इसलिए हमने इंतखाब किया है कि दोनों रेजिडेंशियल के दरमियान में हमने ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, बेटी सर्विस अपार्टमेंट जो है हमारा, ये बिजनेस है, बिजनेस के हवाले से हमने लॉन्च की। मज़ीद आप कोई भी हमारी वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मज़ीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। मेरा नाम अयाज़ खान है, मैं कैलिफोर्निया रियल इस्टेट एंड बिल्डर पर होता हूँ, बैरिया टाउन कराची में। अपना बहुत बहुत रखें ख्याल, दुआओं में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।